नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुराग एक बार फिर से आपके सामने एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर आया हूं। हम लोग देख रहे हैं यहां पर कि लोकतंत्र, जनतंत्र और गणतंत्र तीनों एक प्रकार के सिनोनिम लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। लिखते समय आपको गड़बड़ नहीं करनी है, बिल्कुल बेसिक एरर नहीं करना है, प्लस इन केस अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है तो फिर आप क्या जवाब देंगे। अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, तो आप उसका आंसर क्या देंगे, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड पीपल्स रिपब्लिक या पीपल्स डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो यही अंतर जानने के लिए ये वीडियो है, अंत तक पूरा देखिए तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लोकतंत्र को यहां पर देख रहे हैं, तो लोकतंत्र को जब भी हम सोचते हैं, ठीक है, अच्छा सबसे पहले कुछ देशों के नाम लिख देते हैं। डेमोक्रेसी कहां पर है, हम जानते हैं यूएसए में है, यूके में है, इंडिया में है, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक जो जनतंत्र हमें देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए चाइना है, लाओस है, कंबोडिया है, ऐसे देशों में हमें पीपुल्स डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। रिपब्लिक या गणतंत्र की बात करते हैं तो हमारा भारत है, भारत एक गणतंत्र है, ठीक है, मीनिंग जब आपको समझ में आएगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं, हम फ्रीडम डे भी मनाते हैं, ठीक है, 15 अगस्त और 26 जनवरी, तो रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं इसका आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग उठाते हैं अपने पहले पोर्शन को जिसका नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र को उठाने से जैसे उठाते हैं वैसे ही हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है। पीछे जाएंगे तो हमें अब्राहम लिंकन साहब दिखाई देंगे। अब्राहम लिंकन, इनका नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है, ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, ठीक है, और इनका जो राष्ट्रपति का कार्यकाल था वो 1861 से 1865 तक था, 1861 से 65 तक इन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहे थे, और इनकी हत्या हो गई थी 1865 में, एक गैंगस्टर था उसने इनकी हत्या कर दी थी, जॉन विल्केस नाम था उसका, तो जॉन विल्केस ने जब इनकी हत्या करी थी तो उससे पहले इन्होंने एक बहुत अच्छा काम अमेरिका में किया था कि अमेरिका में जो काले गोरे का भेद चल रहा था, जो ऊंच नीच चल रही थी, उसका इन्होंने एक सफल आंदोलन किया था। अमेरिका गृह युद्ध 1860 में जब शुरू हुआ तो उसको समाप्त करने का श्रेय अब्राहम लिंकन को ही जाता है। तो लोकतंत्र के लिए हम अब्राहम लिंकन के ही तीन शब्दों को देखने का प्रयास करेंगे। इन्होंने कहा, अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, कि इन्होंने कहा कि कोई भी राज्य जब शासन करता है, ठीक है, तो शासन के बेस में किसे होना चाहिए, जनता को होना चाहिए। क्लियर है, अभी हम लोग नंबर वन को डिस्कस कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, तो बेस में लोकतंत्र में लोक माने जनता, लोक का मतलब ही होता है जनता, जैसे हम लोग बोलते हैं लोक नृत्य है ना, तो वैसे ही है, तो राज्य शासन और जनता। अब उन्होंने कहा कि ये जो शासन है जो जनता को बेस बनाकर हो रहा है तो शासन कैसा होना चाहिए, तो शासन होना चाहिए ऑफ द पीपल, ये आपने सुन रखे होंगे, जो गवर्नेंस है वो कैसे चलनी चाहिए, ऑफ द पीपल, दूसरा बाय द पीपल, और तीसरा फॉर द पीपल। क्लियर, इसको हम लोग देख लेते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं शासन जो है वो कैसा होना चाहिए, तो शासन जो है वो जनता का होना चाहिए, जनता के द्वारा होना चाहिए और जनता के लिए होना चाहिए। तो जब बेस में जनता रहेगी तो उसी को हम बोलते हैं लोकतंत्र, ठीक है, तो शासन जो है वो जनता का होना चाहिए, जनता के द्वारा होना चाहिए और जनता के लिए होना चाहिए, ऐसा अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब आइए देखते हैं कि जनता का इससे मीनिंग क्या निकल रहा है, जनता का मतलब यहां क्या है, तो जनता का मतलब यहां यह है कि जो समाज है, जिस भी देश में लोकतंत्र है
उसका एक समाज होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम भारत की बात करते हैं तो भारत विविधताओं का देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एंग्लो इंडियन सभी हमें देखने को मिलते हैं। तो भारत का समाज कैसा है, तो भारत का समाज यूनिटी डाइवर्सिटी में ही यूनिटी है हमारे यहाँ, तो हमें एक यूनाइट समाज देखने को मिलता है, लेकिन बहुत डिफरेंट समाज है, बात समझना। तो ये जो समाज है, तो जो शासन जब चलेगा तो शासन ये समाज हमें कहाँ दिखना चाहिए, तो ये समाज हमें संसद में दिखना चाहिए, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर हमें इस समाज के दर्शन होने चाहिए। समाज का प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व लीडरशिप हमें संसद में दिखनी चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि जनता के प्रत्येक वर्ग ने अपना प्रतिनिधि भेजा है संसद में, तभी वो संसद में जाकर जनता की भलाई के लिए कार्य कर पाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जनता का मतलब यहां यह है कि समाज का प्रतिनिधित्व संसद करेगी, और संसद को क्रिएट करने में जनता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और संसद के जो नेता हैं ये मदद करेंगे अपने कार्यों के माध्यम से जनता की। तो ये एक मैटर क्लियर हो गया, ठीक है। तो समाज, और बहुत डिफरेंट टाइप का समाज होता है, अमीर भी होते हैं समाज में, गरीब भी होते हैं समाज में, ग्रामीण भी होते हैं समाज में, शहरी भी होते हैं समाज में, मेल भी होते हैं समाज में, फीमेल भी होते हैं। तो एक बड़ा समाज देखने को हमें मिलता है, और समाज का दर्पण जो है वो संसद के रूप में लोकतंत्र में दिखाई देता है। इसी के साथ दूसरा पॉइंट जो है, बाय द पीपल ऑफ द पीपल हमारे समझ में आ गया। बाय द पीपल का मतलब क्या है, बाय द पीपल का मतलब यहाँ ये है कि जैसे मान लीजिए हम जनता प्रतिनिधियों को चुनेगी कैसे, चुनाव के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से। तो यहां पर हमें दो, जो जनता है वो दो प्रकार से हमें दिखाई देगी, एक हमें एडल्ट जनता दिखाई देगी और दूसरी हमें नॉन एडल्ट दिखाई देगी, क्लियर है। तो जो एडल्ट होंगे वही तो वोट दे पाएंगे। तो जनता चुनती है अपने प्रतिनिधियों को, लेकिन उसके लिए जनता को क्या होना चाहिए, जनता को 18 प्लस होना चाहिए आयु में। एक समय था जब 21 वर्ष की आयु में या उससे अधिक की आयु वाले ही वोट डाल पाते थे, लेकिन अमेंडमेंट के तहत उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है। तो आज भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत में 18 साल और उससे ऊपर का व्यक्ति वोट दे सकता है, अपना प्रतिनिधि चुन सकता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, महिला हो, पुरुष हो, ठीक है। तो जनता के द्वारा प्रतिनिधियों को चुना जाता है, लेकिन यहां पर बस यह है कि नॉन एडल्ट्स यहां पर भूमिका नहीं निभाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 18 वर्ष में आप इतने समझदार हो जाते हैं कि आप अपना प्रतिनिधि चुन सकें, ठीक है। तो बाय द पीपल का मतलब हमें समझ में आ गया। उसके बाद फॉर द पीपल है जनता के लिए। तो जनता के लिए का यहां मतलब है कि जो सरकारें बनती हैं वो क्या जनता के लिए सही में वैसा ही कार्य कर पाती हैं जैसा कि जनता ने सोच के उन्हें चुना था। तो यहां पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि क्या उनके प्रतिनिधि उनकी वाकई में मदद कर पाते हैं। तो ये एक यक्ष प्रश्न है। तो इसके लिए फॉर द पीपल जनता के लिए ऐसा कहा मान सकते हैं हम कि जो शासन है वो जनता की भलाई के लिए कार्य करता है। भलाई के लिए अगर हम अच्छे अर्थों में देखें तो हम यही कहेंगे कि जनता की भलाई के लिए कार्यकर्ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि संसद जो होती है, संसद में एक तरफ पक्ष बैठता है और दूसरी तरफ विपक्ष बैठता है। तो कहने का मतलब कि पक्ष अगर कोई काम कर रहा है तो हो सकता है कि विपक्ष उसको करने से मना करे या उसके लिए रोड़ा बने, हर्डल बने। तो इस प्रकार के हमें पक्ष विपक्ष भी हमें संसद में दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब यहां यह है कि जनता के लिए शासन अपना कार्य करता तो है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं हमें इसमें ऐड करनी पड़ती हैं संसद में, कि पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी होता है। तो आचार विचार में थोड़ी सी भिन्नता आती है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। कोई भी तंत्र हो उसमें सभी कुछ अच्छा या सभी कुछ बुरा नहीं होता है। तो हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में सरकारें जनता के हित में कार्य कर पाती हैं।
अगर हम वर्तमान समय में भारत की ही स्थिति को ले लें तो आज एक बड़ा वर्ग सरकार के विरोध में खड़ा है सीएए को लेकर। तो कहने का मतलब हम लोकतांत्रिक हैं लेकिन फिर भी लोकतंत्र में जनता ने अपने प्रतिनिधि चुन के भेजे थे लेकिन वो प्रतिनिधि कुछ जनता के लिए बेहतरी के लिए कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल हमको समझ में आ गया कि लोकतंत्र में बेसिकली इसको कहते क्या है। चलिए अब हम लोग देखते हैं जनतंत्र। अब हम लोग सेकंड पॉइंट उठाएंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिंकन साहब का जो मेन क्राइटेरिया था वो यही था कि सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छा सोचा कि हम लोकप्रिय सरकारें बनाएंगे, जनता की सरकारें बनाएंगे तो वो जनता के हित में काम करेंगी, लेकिन कभी कभी वो हित में काम करती हैं और कभी कभी हित में काम नहीं भी हो पाता है। तो उसके पीछे हमें कारणों पर जाना चाहिए, अब आप उन कारणों पर जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए दूसरा पोर्शन हमारा जनतंत्र का है, जैसे चाइना है, लाओस है, कंबोडिया है। तो एक मैंने पिछले वीडियो में मेरे प्लेलिस्ट में समसामयिकी में एक वीडियो पढ़ा है समाजवाद और साम्यवाद, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें साम्यवाद शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं। जनतंत्र जो है जिसको हम पीपल्स डेमोक्रेसी भी कहते हैं या कह सकते हैं, जनतंत्र को समझने के लिए सबसे बेसिक में आपको सबसे पहले तो यह समझना है कि जो साम्यवादी है, साम्यवादी का मतलब यहां कम्युनिस्ट से है, जो कम्युनिस्ट है वो अपने आप को क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं कि हम लोकतंत्र से अलग है, वो लोकतंत्र की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हम लोकतंत्र से अलग है। तो साम्यवादी देश चाइना है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, क्यूबा है, तो इस प्रकार के देश जो हैं वो अपने यहां साम्यवाद को आश्रय देते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो साम्यवादी विचारधारा है यहां पर हमें क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं, यही विशेषताएं किसकी विशेषताएं बन जाएंगी, जनतंत्र की। तो पहली यहां पर सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यहां पर हमें एक प्रकार की विचारधारा देखने को मिलती है, एक विचारधारा, सिंगल आइडियोलॉजी हमें या थॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। यहां पर जनता के पास ऑप्शन नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा, ये शब्द थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक विचारधारा होती है, एक ही प्रकार की जनता होती है, उसकी अपनी सोच होती है, एक प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि भी एक होता है, किसी भी चीज में ऑप्शन नहीं है, और एक पद होता है, एक ही पोस्ट होती है जो हेड ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो एक ही पद होता है और एक ही प्रतिनिधि होता है। और जब चुनाव होते हैं, चुनाव भैया यहां भी होते हैं, तो जब यहां इलेक्शन होते हैं, अब ध्यान देना अंतर में, जब यहां इलेक्शन होते हैं तो जो जनता है, ठीक है, जनता जो है उसके सामने 2, 4, 10, 50 प्रतिनिधि नहीं होते हैं, वहां केवल एक प्रतिनिधि होता है जिसे जनता को वोट करना होता है, और वो प्रतिनिधि किस प्रकार का होता है, वो साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधि होता है। अच्छा, जब यहां इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में जनता को केवल यस करने का अधिकार है या केवल नो करने का अधिकार है, जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है एक ही व्यक्ति है, तो जनता कहेगी इसको हम अपना प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, यस में वोट करेगी, और या तो वो कहेगी नहीं हम इसे अपना प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहते हैं। अब यहां समस्या ये आ जाती है कि जो लोग नो में वोट करते हैं उनको फिर जो साम्यवादी सरकार होती है वो उनसे प्रश्न करती है कि तुमने मना क्यों किया था, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो फिर उनके साथ क्या होता है ये आपको पता ही है, साम्यवादी देशों में क्या होता है। ठीक है, ये आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते ही होंगे। तो इलेक्शन में यहां पर हमें बहुत सारे, मतलब आपको कहीं भी ऑप्शन यहां नहीं दिखाई देगा जनतंत्र में। ठीक है, और इलेक्शन में जो बस यहां पर एक बड़ी पॉजिटिव चीज है कि जब इलेक्शन होते हैं तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज 90-95% के आसपास होता है, तो जो साम्यवादी देश हैं वो डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक देशों पर ये आक्षेप लगाते हैं कि देखो तुम्हारे यहां सरकारें
28-29-30% में सरकारें बन जाती हैं, और हमारे यहाँ जो सरकार बनती है उसमें जनता का 90-95% भाग वोट करता है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है जो 5% 8% वोट नहीं कर रहे हैं, सरकार फिर उन्हें प्रताड़ित करती है कि तुमने वोट क्यों नहीं किया था, या तुमने नो पे वोट क्यों किया था, तुमने यस पे वोट क्यों नहीं किया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है गवर्नमेंट से। ठीक है, तो यहां पर एक इस प्रकार की हमें विचारधारा देखने को मिलती है। इस विचारधारा को लेकर चलने वाले क्या कहलाते हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक कहलाते हैं या जनतंत्र कहलाते हैं। मेनली जनतंत्र किससे जुड़ा हुआ शब्द है, कम्युनिज्म से जुड़ा हुआ शब्द है, कम्युनिस्ट शब्द है। उम्मीद करते हैं कि आपको जनतंत्र भी समझ में आ गया होगा। अब लोकतंत्र और जनतंत्र में आप आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए इतना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि गणतंत्र में क्या है और गणतंत्र किस तरह से अलग है अन्य शब्दों से। गणतंत्र को समझने के लिए हमें यहां पर दो समय पे ध्यान देना होगा। पहला समय जो है वो बिफोर 17th century है। 17वीं शताब्दी के पहले गणतंत्र की परिभाषा क्या थी, और एक है आफ्टर 17th century। ठीक है, बहुत आराम से इस बात को समझिएगा कि गणतंत्र किसे कहते हैं और गणतंत्र के दो रूप कौन कौन से हैं, 17th सेंचुरी के पहले और 17th सेंचुरी के बाद, यानी कि जो आज का गणतंत्र है जिसको हम रिपब्लिक कहते हैं। अब यहां देखिए, बिफोर 17th सेंचुरी जो है, यहां इस समय क्या चलता था, इसको हम ए और इसको बी मान लेते हैं। चलिए ए को सबसे पहले देख लेते हैं कि बिफोर 17th सेंचुरी में जो गणतंत्र है वो किसे कहते थे। तो गणतंत्र उसे कहते थे जहां तानाशाही शासन नहीं था। ठीक है, ऐसे राज्य यूरोप के, मेनली ये विचारधारा यूरोप से आई, तो यूरोप के ऐसे राज्यों को गणतंत्र माना गया जहां पर तानाशाही नहीं थी। जहां तानाशाही नहीं थी ऐसे राज्यों को गणतंत्र के अंतर्गत राज्यों को रखा गया। जैसे मान लीजिए इटली में अगर मुसोलिनी का शासन है या जर्मनी में हिटलर का शासन है, तो ये तानाशाही शासन है, इनको गणतंत्र नहीं कहा जाएगा। इसके एवज में जो पुर्तगाल है, स्पेन है, डेनमार्क है, इस प्रकार के जो देश हैं, यहां पर गणतंत्र शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन जहां तानाशाही शासन नहीं है, नहीं था, उनको हम गणतंत्र कहते थे, भले ही वहां पर राजतंत्र हो, राजा का तंत्र हो। अगर राजा निरंकुश नहीं है, राजा डिक्टेटर नहीं है, तो उसे 17 सेंचुरी के पहले गणतंत्र कहते थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब बी पोर्शन में हम लोग देखते हैं कि आफ्टर 17 सेंचुरी क्या हुआ। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि 18th, 19th और 20th century तक आते आते इसमें एक व्यवस्था डेवलप हो गई। वो व्यवस्था क्या डेवलप हो गई, व्यवस्था ये डेवलप हो गई कि यहां पर भी आप दो प्रकार की चीजें देखते हैं, आज भी हमें देखने को मिलती हैं, पहला और दूसरा। इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग यहां पर हेड ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं, इसको आप दिमाग में रखिएगा। भारत में हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक की जब परिभाषा बनाई गई तो उसमें यह कहा गया कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट को हम निर्वाचित करेंगे। तो यहां पर हमें दो प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं, एक जो हेड ऑफ स्टेट है, अगर हेड ऑफ स्टेट अनुवांशिक है, ठीक है, तो उसे हम गणतंत्र नहीं बोलेंगे, जैसा कि हमें कहां देखने को मिलता है, यूके में। बहुत अच्छा पॉइंट था, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर हेरिडिटरी
अनुवांशिक, अगर हेड ऑफ स्टेट अनुवांशिक है, हेरिडिटरी है, तो उसे हम गणराज्य नहीं मानेंगे। क्लियर है? हम गणतंत्र किसे मानेंगे? हम उसे मानेंगे जहां पर जो हेड ऑफ स्टेट है उसे निर्वाचित किया जाए। जब जिसको वहां पर निर्वाचित किया जाए तो ये जो हेड ऑफ स्टेट है इसको हम गणतंत्र कहेंगे। ऐसा तंत्र जहां पर हेड ऑफ स्टेट को निर्वाचित किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब यहां पर हम भारत को समझ लेते हैं कि भारत में जो हेड ऑफ स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट है, तो क्या भारत में प्रेसिडेंट का पद अनुवांशिक है, हेरिडिटरी है, या उसे हम निर्वाचित करते हैं? तो हम लोग को पता है कि हम राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, इसीलिए भारत को हम गणतंत्र कहते हैं। यूके को हम गणतंत्र नहीं कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको तीनों पोर्शन, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तीनों पोर्शन जो है आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। इस तरह के वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में समसामयिकी में पड़े हुए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। पिछला वीडियो समाजवाद साम्यवाद वाला भी जरूर देखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।